देखते हैं व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स इन आवर बॉडी. डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ईच अमाइनो एसिड आर रिक्वायर्ड इन द बॉडी डिपेंडिंग अपॉन देयर नीड. अमाइनो एसिड्स इन द करेक्ट प्रोपोर्शन आर विदड्रॉन फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम बाय सेल्स थ्रू आउट द डे. द अमाउंट ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स रिक्वायर्ड बाय मेन एंड वुमेन इज गिवन इन द टेबल. तो ये कुछ सारी की सारी हमारी असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं जिनकी अमाउंट दिन में कितनी चाहिए होती है वो यहाँ पे बताई गई हुई है. तो हम हर अमाइनो एसिड की बॉडी में डिफरेंट क्वांटिटीज़ आपको चाहिए होती हैं. तो देखें ट्रिप्टोफैन कंपैरेटिवली बॉडी में सबसे ज़्यादा कम चाहिए बाकी अमाइनो एसिड्स के कंपैरेटिवली. ठीक है, इसी तरीके से कुछ अमाइनो एसिड्स आपको सिर्फ 500 तक चाहिए तो कुछ आपको 1100 mg तक चाहिए. ठीक है, तो देर इज़ अ डिफरेंस अपॉन डिफरेंट अमाइनो एसिड्स. When the amino group of one amino acid links with the carboxyl group of another, eliminating a water molecule, a peptide linkage is formed between the two. तो जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स की चैन के बीच में जब कार्बोहाइड्रेट्स आपस में मिलते थे और एक चेन बनाते थे तो उनके बीच में ग्लाइकोसाइड लिंकेजेस होते थे. यहाँ पे जब दो अमीनो एसिड्स आपस में मिलते हैं तो पेप्टाइड लिंकेज बनाते हैं. और जब दो अमीनो एसिड्स आपस में मिलते हैं, ये देखें, ये अमीनो एसिड का फॉर्मूला है. एक साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक साइड पे आपके NH2 है और ये बीच में आपका फंक्शनल चेन है. ठीक है, तो अगर आपका ये अमीनो एसिड है, ठीक है, दो अमीनो एसिड इसी तरीके से अगर आपस में मिलते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन हो जाती है, ये H2 बन जाता है. ठीक है, और बाकी आपका अमीनो एसिड इस तरीके से बन जाता है. ठीक है, एक साइड पे कार्बोक्सिलेन होता है, एक साइड पे NH2 होता है और बीच में ये आपका पेप्टाइड लिंकेज बन जाता है. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो हैं अमीनो एसिड्स जो हैं ये आपका एलिमिनेट हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल. तो पेप्टाइड लिंकेज आपका इस तरीके से बनता है. दो अमीनो एसिड्स अगर आपस में मिलेंगे तो पेप्टाइड लिंकेज के ज़रिए से मिलेंगे और एक वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन हो जाती है. ठीक है, और इस तरीके से अगर दो अमीनो एसिड्स आपस में मिलते हैं, अगर ये एक अमीनो एसिड है, अगर इसके साथ दूसरा मिल जाएगा तो ये डाईपेप्टाइड हो जाएगा. अगर इसके साथ एक और तीसरा मिल जाएगा तो ट्राईपेप्टाइड हो जाएगा. अगर तीसरे से ज़्यादा अगर तीन से ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वो पॉलीपेप्टाइड हो जाएगा. ठीक है, कि बहुत सारी जो है पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड चेन. ठीक है, अ डाईपेप्टाइड रिजल्ट्स व्हेन टू अमीनो एसिड्स. ठीक है, डाईपेप्टाइड आपका कब बनता है, जब दो अमीनो एसिड्स आपस में अटैच्ड होते हैं. ठीक है, किस तरीके से अटैच होंगे, थ्रू पेप्टाइड लिंक. ठीक है, इसको हम पेप्टाइड लिंक कहते हैं. ठीक है, अ ट्राईपेप्टाइड इज फॉर्म्ड व्हेन टू पेप्टाइड लिंकेजेस जॉइन थ्री अमीनो एसिड्स. ट्राईपेप्टाइड में तीन अमीनो एसिड्स होते हैं. अ पॉलीपेप्टाइड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन न्यूमरस अमीनो एसिड यूनिट्स टुगेदर बाय सेवरल आर यूनाइट टुगेदर बाय सेवरल पेप्टाइड बॉन्ड्स. प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स. तो पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, जो जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में मिलें. हमारी जो प्रोटीन्स होती हैं, जो हम नॉर्मली कहते हैं कि प्रोटीन है, तो प्रोटीन हमारी बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड लिंकेज के ज़रिए से अटैच हुए होते हैं और वो आपस में मिल के प्रोटीन बनाते हैं. तो हमारी प्रोटीन ना डाईपेप्टाइड है ना ट्राईपेप्टाइड है, वो पॉलीपेप्टाइड है. अब पॉलीपेप्टाइड को जब हम खाते हैं, ठीक है, तो हमारी प्रोटीन जब हम खाते हैं वो पॉलीपेप्टाइड होती है. हमारी बॉडी के एंजाइम्स हैं उसके तोड़ के डाई और ट्राईपेप्टाइड की फॉर्म में लेके आते हैं, जो कि फिर हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन्स के ज़रिए से एब्जॉर्ब होती है. ठीक है, तो ये आपने याद रखना है. विद इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ईच सेल इज कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग स्पेसिफिक प्रोटीन्स नीडेड फॉर इट्स फंक्शन. तो हमारे जो सेल्स हैं दे आर केपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग स्पेसिफिक प्रोटीन्स. ठीक है, सेल्स कैसे बनाते हैं, सेल्स जो हैं वो स्पेसिफिक आपकी प्रोटीन्स बनाते हैं. ठीक है, हमारे सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं उनके अंदर पहले से इंफॉर्मेशन होती है कि ये आपने प्रोटीन बनानी है. तो जितनी भी हमारी प्रोटीन्स हैं
वो सेल्स जो हैं बना दें, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चेन लेंथ हो सकती है, ठीक है, उसमें आइसोल्यूसिन भी हो सकती है, ल्यूसिन भी हो सकती है, लाइसिन भी हो सकती है, मीथियोनिन भी हो सकती है, ठीक है। तो वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, ठीक है, और उस सीक्वेंस से स्पेसिफिक आपकी प्रोटीन बनती है, ठीक है। अमाइनो एसिड्स को जोड़ के जो है एक प्रोटीन बनाई जाती है। अब वो प्रोटीन अगर बालों के लिए है तो उसके लिए स्पेसिफिक कोई और हेयर सीक्वेंस होगा, स्किन के लिए तो कोई और प्रोटीन होगी, टिश्यूज़ बन रहे हैं तो कोई और प्रोटीन होगी, हार्ट के टिश्यूज़ बन रहे हैं तो कोई और प्रोटीन सीक्वेंस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी जो है डिफरेंट प्रोटीन्स बनाती है, हमारी बॉडी डिफरेंट आपकी प्रोटीन्स बना सकती है, ठीक है, और हर प्रोटीन का डिफरेंट फंक्शन होता है। अमाइनो एसिड्स इन द करेक्ट प्रपोर्शन आर ऑन, ठीक है। तो हम जो है ये सेकेंड पैराग्राफ में हम ये बात करेंगे, अमाइनो एसिड्स आर करेक्ट प्रपोर्शन, ठीक है, डिफरेंट प्रपोर्शंस में बनते हैं, आर विथड्रॉन फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम फॉर दिस पर्पज़। जो जो हमें अमाइनो एसिड चाहिए होता है बॉडी के सेल्स को, सेल्स जो हैं ब्लड स्ट्रीम में से वो अमाइनो एसिड ले लेते हैं, ठीक है। तो जो सा जितने प्रोपोर्शन में चाहिए होते हैं, कोई अमाइनो एसिड 5 चाहिए अगर आपको चेन लेंथ में, कुछ आपको 30 चाहिए चेन लेंथ में, तो जितने चाहिए होते हैं वो आपकी ले लेते हैं। द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड ऑफ द प्रोटीन इज ट्रांसक्राइब्ड बाय द मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड विच इज़ लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, mRNA, ठीक है। उसको मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब होता क्या है कि अब बॉडी को कैसे पता चलेगा या सेल्स को कैसे पता चलेगा कि किस सीक्वेंस में हमने जो है प्रोटीन बनानी है। आ, 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 तो वो ऐसे पता चलता है जब आपका जो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर मैसेंजर आरएनए, न्यूक्लियस अपने मैसेंजर आरएनए के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके से कंघी होती है, ये कंघी जो है बाहर आ जाती है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। एक स्ट्रैंड होता है मैसेंजर आरएनए का, ठीक है, और उसके ऊपर इस तरीके से ये ऐसे होती है, ठीक है। तो ये वो बाहर जे ये जो है आपका मैसेंजर आरएनए, ये जो है इसके ऊपर आके जो है ये हर स्ट्रैंड के ऊपर लिखा होता है कि जैसे ये स्ट्रैंड है ये लाइसिन के लिए, इसके ऊपर सिर्फ लाइसिन आके लग सकती है। ये स्ट्रैंड है ये ल्यूसिन है, इसके ऊपर सिर्फ ल्यूसिन आके लगेगी। इस स्ट्रैंड के ऊपर सिर्फ मिथियोनिन आके लग सकती है। इस तरीके से आके प्रोटीन्स लगती जाती हैं, उनके बीच में पेप्टाइड लिंकेजेस बनते जाते हैं और इस तरीके से फिर प्रोटीन्स बन जाती हैं, ठीक है, ठीक है। और वो जो है स्पेसिफिक सीक्वेंस जो होता है वो मैसेंजर आरएनए के ज़रिए से डिपिक्ट होता है और इस तरीके से आपकी जो है प्रोटीन्स बन जाती हैं, ठीक है। और फिर ये यहाँ से अलहदा हो जाती है मैसेंजर आरएनए से और ये आपकी प्रोटीन बन गई, ठीक है। और ये जो हमारे मैसेंजर आरएनएज होते हैं ये हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी। तो आपकी प्रोटीन जो है ह्यूमन बॉडी में अबंडेंट फॉर्म में होती है, क्यों? क्योंकि हर आपका जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म उसका बेसिक जो होता है प्रोटीन होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन में ह्यूमन बॉडी में वाटर होता है और वाटर के बाद प्रोटीन होता है, ठीक है। ओनली 1/2 ऑफ द ड्राई वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ प्रोटीन। हमारी ह्यूमन बॉडी का जो 1/2 होता है ड्राई वेट का वो प्रोटीन होता है, ठीक है। और यूरिन एंड बाइल आर द ओनली बॉडी फ्लूइड्स दैट डू नॉट नॉर्मली कंटेन प्रोटीन। अच्छा, सिर्फ हमारे यूरिन में और बाइल में ये हमारे दो होते हैं, ठीक है, एक यूरिन और एक हमारा बाइल। सिर्फ इन दोनों में हमारी प्रोटीन नहीं होती, बाकी सारे के सारे हमारे फ्लूइड्स में प्रोटीन होती है, ठीक है। अगर हम देखें, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन देखें हम, ठीक है, तो उसमें तकरीबन हमारे मसल्स के अंदर 33% होती है प्रोटीन, ठीक है। बोन्स और कार्टिलेज में, कार्टिलेज होता है बोन्स की तरह होता है लेकिन बहुत नरम हड्डी होती है, जैसे हमारी नाक है, नाक के अंदर कार्टिलेज है, ठीक है, नाक की हड्डी में। जैसे हमारे कान है, कान के अंदर जो है नरम सा हिस्सा होता है, मुड़ सा जाता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सख्त भी होता है, तो वो कार्टिलेज होता है, ठीक है। तो बोन्स और कार्टिलेज में 20% आपकी प्रोटीन होती है। स्किन 10% प्रोटीन से बनी हुई है और टिश्यूज़ और बॉडी फ्लूइड्स में 37% होता है,
ठीक है, ये आपको जो है जितने भी ह्यूमन बॉडी के कंपार्टमेंट्स हैं या प्रोटीन की डिस्ट्रीब्यूशन ह्यूमन बॉडी में, ये परसेंटेजेस आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है, उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स में आपका आ जाता है प्रोटीन्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन। देखें, अब आपकी जो प्रोटीन्स हैं इन पे भी डिपेंडेंस होती है कि एनिमल प्रोटीन है या वेजिटेबल प्रोटीन है, मतलब कि प्लांट सोर्सेस से आपको मिल रही है या एनिमल सोर्सेस में से मिल रही है। देखें, हमारी ह्यूमन बॉडी का फ्लैश जो है, अभी आपने देख पड़े हैं कि कंपार्टमेंट्स जो हैं प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। तो अगर ह्यूमन बॉडी जो है प्रोटीन से मिलके, इतनी प्रोटीन से मिलके बनी हुई है, तो जब हम एनिमल फ्लैश खाते हैं, ठीक है, जैसे चिकन हो गया, मीट हो गया, तो वो भी प्रोटीन से मिलके बना होगा, ठीक है। तो एनिमल प्रोटीन भी होती है और फिर प्लांट सोर्सेज से आपको प्रोटीन मिलती है, जैसे आपको बीन्स में से मिलती है, ठीक है, जैसे आपको पल्सेस में से मिलती है प्रोटीन, दालों में से मिलती है, सीरियल्स में से भी मिलती है, ठीक है। तो देखना है ये कि प्रोटीन का ओरिजिन क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन आपकी अमाइनो एसिड कंपोजिशन के हिसाब से होती है, ठीक है, मतलब जैसे एक के भी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं या नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, उनकी डाइजेस्टिबिलिटी उनकी टेक्सचर पे होती है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो क्लासिफिकेशन होती है, अगर हम कहें कि, तो वो बेस कर रही होती है प्रोटीन के स्ट्रक्चर पर भी, ठीक है। तो ये सारी आपकी क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन, मतलब एनिमल या प्लांट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अमाइनो एसिड कंपोजिशन, अकॉर्डिंग टू देयर डाइजेस्टिबिलिटी एंड टेक्सचर, एंड अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, ठीक है, कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके ऊपर भी आपकी क्लासिफिकेशन बेस करती है। तो ज़्यादातर आपकी प्रोटीन क्लासिफिकेशन आपके स्ट्रक्चर पर होती है। तो अगर हम उसको देखें, तो आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल प्रोटीन्स भी हो सकती हैं और कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स भी हो सकती हैं। तो सिंपल प्रोटीन्स जो हैं वो प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, जो सब्सटेंसेस दैट यील्ड अमाइनो एसिड्स ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। सिंपल प्रोटीन्स का मतलब ये है कि ऐसे सब्सटेंसेस अगर हम उनकी हाइड्रोलिसिस करें, ठीक है, ब्रेक डाउन करें, ठीक है, चाहे एसिड से, चाहे एंजाइम से, चाहे किसी भी तरीके से, तो हाइड्रोलिसिस करने पर वो सारा का सारा आपको प्रोटीन दे, ब्रेक डाउन पे सारे के सारे स्ट्रक्चर की आपको प्रोटीन मिले, तो वो सिंपल प्रोटीन्स होती हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो है पूरे के पूरे सारे के सारे अमाइनो एसिड की चेन लेंथ से बने, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिले हुए हैं, ठीक है, और उनसे उन्होंने प्रोटीन बनाई हुई है। इसमें एग्जाम्पल्स आ जाती है, मतलब वो बेसिकली उनके अंदर और कुछ भी एडिड नहीं है, वो सिर्फ प्रोटीन है, प्योर प्रोटीन है, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल है जैसे एग में एल्ब्यूमिन होती है, ठीक है, एल्ब्यूमिन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, नाम आपको याद होना चाहिए कि एग में एल्ब्यूमिन होता है, ठीक है। और इसके अलावा एल्ब्यूमिन हमारी बॉडी में भी होता है, और एल्ब्यूमिन लेवल जो है वो मेंटेन्ड होना चाहिए, अगर नहीं मेंटेन होगा तो बॉडी जो है डिजीज स्टेट में होती है, ठीक है। तो हमें डाइट में जो एल्ब्यूमिन मिलता है वो एग से मिलता है, एग सबसे ज़्यादा एल्ब्यूमिन देता है, ठीक है। तो एग की जो एल्ब्यूमिन है वो सारी की सारी प्रोटीन है, ठीक है, इसलिए भी कहते हैं ना बच्चों को अंडे खिलाने चाहिए, अंडे प्रोटीन की बेसिक होते हैं, या बीमार लोगों को खिलाने चाहिए अगर उनका लिवर और किडनी ख़राब नहीं है। इसके अलावा जीन ऑफ कॉर्न, कॉर्न जो होती है उसके अंदर जो प्रोटीन होती है वो जीन होती है, ठीक है। इसके अलावा कैरेटिन ऑफ हेयर, हेयर्स आपके प्योर प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। एंड ग्लोबिन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो है वो आपके रेड ब्लड सेल्स को कलर देता है। तो जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर जो ग्लोबिन कंपोनेंट होता है वो प्रोटीन का कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो ये सब के सब हमारी सिंपल प्रोटीन्स हैं, एग्जाम्पल्स आपको याद होनी चाहिए, क्लासिफिकेशन आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए, सिंपल और कंपाउंड प्रोटीन्स। अच्छा, सिंपल प्रोटीन्स, नेक्स्ट है आपका कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है मिला हुआ होना। कंपाउंड प्रोटीन्स जो होती हैं ये वो प्रोटीन्स होती हैं जिनमें एक मॉलिक्यूल आपका प्रोटीन का होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक आपका मॉलिक्यूल प्रोटीन का होता है और एक आपका मॉलिक्यूल नॉन प्रोटीन होता है, और ये मिल के एक कंपोनेंट बना देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से करके, तो इनका जो एक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, उस
हाफ जो है वो उसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है और हाफ जो होता है वो आपका नॉन प्रोटीन होता है, ठीक है। तो मतलब वो प्रोटीन के अलावा किसी भी और सोर्स का होगा, तो उसको हम कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन, ठीक है। प्रोटीन प्लस हीम, ये दोनों मिलके हीमोग्लोबिन बनाते हैं और ये आपका ब्लड में होता है। कैसीन, कैसीन में प्रोटीन प्लस फॉस्फोरिक एसिड होता है और कैसीन आपका मिल्क में होता है, ठीक है। उसके अलावा म्यूसिन, म्यूसिन में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होता है और ये हमारे सलाइवा में होता है। लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन में प्रोटीन और लिपिड होता है, ये हमारे ब्लड में होता है। और न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन में प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होता है और ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये एग्जाम्पल्स भी आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं आपकी, दोबारा से बता रही हूँ, हीमोग्लोबिन, कैसीन, म्यूसिन, लिपोप्रोटीन, ठीक है, और न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है। ये सब आपकी एग्जाम्पल्स हैं प्रोटीन की। नेक्स्ट आ जाता है आपका फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स में आपके आ जाते हैं, डाइट्री प्रोटीन्स प्रोवाइड अमीनो एसिड्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड एंड मेंटेन टिश्यूज दैट आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। तो फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स में आपका ये चीज़ है कि जितनी भी हमारी डाइट्री प्रोटीन है, मतलब वो प्रोटीन जो हम डाइट से लेते हैं, वो हमें अमीनो एसिड से देती हैं। अमीनो एसिड्स जो होते हैं ये हमें चाहिए होते हैं ताकि हम बॉडी बना सकें, टिश्यूज़ बना सकें, उनको रिपेयर कर सकें, मेंटेन कर सकें। इसके अलावा प्रोटीन्स हमें चाहिए होते हैं एंजाइम्स बनाने के लिए, हार्मोन्स बनाने के लिए और एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन्स हमें चाहिए होती हैं बॉडी प्रोसेसेस रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। और अगर हमारे एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स ना हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट और फैट, तो फिर प्रोटीन से हमें एनर्जी भी मिलती है। और ये सब के सब हमारे प्रोटीन्स के फंक्शंस हैं। इनको हम डिटेल में आगे देखेंगे, फर्दर देखेंगे। अभी हम आपकी रिवीजन कर लेते हैं कि अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट्स कितनी है, ठीक है। पहली बात है, आपने पहली बात ये इस्टेब्लिश करनी है आपने कि अमीनो एसिड्स हमें डिफरेंट प्रोपोर्शंस में चाहिए होते हैं, ठीक है। हर अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, तो हमें उस हिसाब से अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा हम इनको करेक्ट प्रोपोर्शन में तो बनाते हैं, ठीक है। अब अमीनो एसिड, अगर दो अमीनो एसिड्स आपस में मिलेंगे तो वो मिलते हैं थ्रू पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। जब वो मिलते हैं आपस में तो वाटर के एलिमिनेशन से, जब भी कोई अमीनो एसिड आपस में अटैच होता है तो दूसरे अमीनो एसिड से अटैच होता है, तो वाटर के मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन के ज़रिए से अटैच होता है, ठीक है। तो अगर दो अमीनो एसिड्स आपस में मिलेंगे तो डायपेप्टाइड होगा, अगर तीन मिलेंगे तो ट्राईपेप्टाइड होगा, अगर तीन से ज़्यादा मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे तो वो पॉलीपेप्टाइड होगा। ये बात आपने याद रखनी कि जो प्रोटीन्स होती हैं वो असल में पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं, ठीक है। और हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो केपेबल होते हैं प्रोटीन्स बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि देखिए ना, आप ये देखें कि जैसे साइकिल है या कोई भी मशीन है जो चलती रहती है, तो एक पॉइंट पे आके ख़राब हो जाती है, टेर हो जाती है, ठीक है। और उसको फिर हम ठीक करते हैं। तो जैसे अगर हम कोई कपड़ा पहनते हैं और वो पहन पहन के ख़राब हो जाए, तो हम क्या करते हैं, या उसमें सुराख आ जाए तो हम क्या करते हैं, हम पेवंद लगाते हैं, हम रफू करते हैं उसको। तो हमारी बॉडी के अंदर कैपेबिलिटी है कि अगर हमारे टिश्यूज़ फट जाएँ, ठीक है, जैसे हम एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, स्ट्रेन ज़्यादा पड़ता है, तब फट जाएँ, ठीक है, तो हमारी बॉडी उसको पेवंद लगाती है, दोबारा से वहाँ पर जहाँ से फटे होते हैं वहाँ से प्रोटीन्स डालती है, उनको रिपेयर करती है प्रोटीन्स को, ठीक है। तो वो किस तरीके से होता है, वो इसी तरीके से कि हमारी बॉडी के सेल्स दोबारा से खुद ही से प्रोटीन्स बना सकते हैं, ठीक है। और प्रोटीन्स हमें फिर डाइट से चाहिए होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि प्रोटीन्स जो हैं वो हमारी बॉडी में मैसेंजर आरएनए बनाते हैं और वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। और ये भी बात याद रखनी है कि अमीनो एसिड्स का, हर प्रोटीन का डिफरेंट प्रोपोर्शन होता है, ठीक है, डिफरेंट सीक्वेंस होता है, ठीक है। हर प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स का डिफरेंट सीक्वेंस होता है, डिफरेंट प्रोपोर्शन होता है, तो उस हिसाब से जो है हर प्रोटीन का नाम डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे एग की एल्ब्यूमिन और कॉर्न की जीन, ठीक है, ये दोनों जो हैं प्रोटीन्स के डिफरेंट नेम है, एल्ब्यूमिन और
जीन, ये डिफरेंट नेम इसलिए क्योंकि इनमें अमीनो एसिड्स का प्रोपोर्शन और सीक्वेंस डिफरेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन्स इन द बॉडी, तो बॉडी में प्रोटीन्स की डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, मसल्स हैं, बोन्स, कार्टिलेज, स्किन, टिश्यूज एंड बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। तो ये प्रोटीन डिफरेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन हैं आपको याद होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, तो डिफरेंट इनकी क्लासिफिकेशन हैं, उनको हम देखेंगे भी। प्रोटीन की जो क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर के हिसाब से है वो है सिंपल प्रोटीन्स एंड कंपाउंड प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन्स आपकी जो हैं वो हैं जिन जो हाइड्रोलिसिस पे बेसिकली आपके सिर्फ अमाइनो एसिड्स देती हैं, और कंपाउंड प्रोटीन्स आपकी वो हैं जो जो डिफरेंट आपके, एक उनके अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं और दूसरा जो होता है पार्ट वो कोई नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, और इस तरीके से हम प्रोटीन आपकी कंपाउंड प्रोटीन्स होती हैं। और फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स में जो हैं वो ये हैं कि ये बॉडी बॉडी टिश्यूज बिल्ड करते हैं और मेंटेन करते हैं, एंजाइम्स, हार्मोन्स और एंटीबॉडीज बनाते हैं, ठीक है। आपकी जो हैं बॉडी प्रोसेसेस रेगुलेट करती है, और एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स जब नहीं होते तो एनर्जी देती हैं, ठीक है। ये जो है हम आगे पढ़ेंगे, आपके फर्दर पढ़ेंगे फंक्शंस को डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर योर कंसिड्रेशन। अल्लाह हाफिज़।